Hello, my ICSE K 10th graders. Today we are going to continue with our first chapter of periodic table. और आज हम एक और periodic trend लेके आगे बढ़ेंगे. So पिछले वीडियो में हमने बात की थी atomic radii और ionization energies की. So this is again a quick revision. आपके सामने periodic table है बच्चों. Periodic table में जब हम left to right जाते हैं, that is how a variation is happening across a period, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, that is what is the variation happening in a group. So period में what is the trend of atomic radii? Atomic radii जब आप left to right periodic table में घूमते हो, तो क्या होता है? Atomic radii छोटी होती जाती है. So in a period atomic size decreases. And क्या होगा उसी atomic radii को जब आप ऊपर से नीचे group में आए? So what is going to happen? You are seeing over here. The atomic radii is going to increase. जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो एटमिक रेडियाई इंक्रीज करती है, साइज इंक्रीज करता है एटम का. और जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो साइज क्या होगी? साइज रिड्यूस होती जाएगी. इसी बेसिस पे हमने आयनाइजेशन एनर्जी का भी ट्रेंड किया. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी जो एक एटम को कटायन में कन्वर्ट करने के लिए लगती है, उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. लाइक Na एटम है, गैसियस एटम. इफ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स कटायन, पुल आउट इट्स मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, देन जो एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी बेटा, जो हीट तुम्हें देनी पड़ेगी टू द सोडियम एटम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज योर आयनाइजेशन एनर्जी. तो अगर कोई एटम जल्दी ही आयन कटायन बनना चाहेगा, जैसे कि मेटल्स, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बहुत कम होगी. You will have to spend very small amount of energy and get it converted into its cation. On the other hand, अगर तुम्हारे पास एक non metal है जो कि cation नहीं बनना चाहिए, non metal क्यों cation बनना चाहेगा? Non metal wants to accept electrons. वो cation नहीं बनना चाहेगा. तो in that case, अगर मैं एक non metal को, अगर मैं एक chlorine atom को convert करना चाहूंगी Cl plus में, then I will जो heat मुझे देनी पड़ेगी, that will be much much higher than that which I would give to any metal. So group trend में और period trend में वो साफ नजर में आता है. Period trend में ध्यान से देखो, as you are moving from left to right in the periodic table, क्या होता है ionization energy को? वो बढ़ती जाती है. मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ग्रुप 16, 17 के एलिमेंट्स को टू मेक देम इनटू देयर कटायंस. व्हाट हैपेंस डाउन द ग्रुप? आयनाइजेशन एनर्जी को डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी अगेन कटायन बनाने में जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी एटम को, वो है आयनाइजेशन एनर्जी. ऊपर से नीचे जब हम आते हैं किसी भी ग्रुप में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, लेट अस टेक ग्रुप 1, तो क्या हो रहा है बच्चा? साइज बढ़ रही है. As size is increasing, what happens? Our outermost shell goes much farther from the nucleus. So हमारा जो outermost shell है, वो काफी दूर है from the nucleus. तो आसानी से electron हम निकाल पाते हैं with a very small energy. थोड़ा सा energy देंगे, तुरंत electron is coming out. So as you go down the group, what is the trend that you will remember? हमारा ionization energy कम होता जाएगा. हमें कम energy देनी पड़ेगी atom को. Why so? Atomic size is increasing. So atomic size का अगर trend आपको याद है तो आप ionization energy का भी trend deduce कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि मैं तो भूल गया. अरे भूल गए तो आपको तो periodic table में atomic radii के बारे में पढ़ाया ही गया है. आप तुरंत deduce कर सकते हैं अगर concept जगह पर. Okay, so इसमें आज मैं एक और periodic trend add करूंगी. राइट इतना तक आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा. इफ यू हैव अ डाउट प्लीज पुट समथिंग और राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. ओके सो आई कैन टेक इट अप इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद टुडेज टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी. ओके इलेक्ट्रॉन के लिए क्या? एफिनिटी. अब ये एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी मीन्स लाइकलीनेस. एफिनिटी बेसिकली मीन्स लव, लव फॉर दी इलेक्ट्रॉन ओवर हियर. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन पाने की इच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए लव. तो कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कुछ एटम्स को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में कोई रुचि नहीं है. दे डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, एंड हाउ आर वी गोइंग टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड?
वर्ड को पहले समझो, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए ला, तो एक गेशियस एटम ले लो, उसी तरह से जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी में किया था, एक एटम लो, गेशियस एटम लो, उस गेशियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालो, पुट इनसाइड एन इलेक्ट्रॉन, लाइक व्हेन एन एटम इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, इट इज टेकिंग इन एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, तब क्या होगा, या तो वो एटम खुश होगा बिकॉज इफ इट इज गेनिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन नियर टू द नोबल गैसेस, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से या दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से तो वो खुशी से ये काम करेगा. सो इफ एन एटम एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन देन वो खुश हो जाएगा बिकॉज इट इज नियरिंग इट्स ऑक्टेट. तो वट विल इट डू, इट विल लोअर इट्स एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को कम कर लेगा. एनर्जी कम करने का मतलब वो अपने अंदर से कुछ एनर्जी को बाहर फेंकेगा, इट इज गोइंग टू रिलीज आउट सम एनर्जी. जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखो, ये जो जिफ आपके सामने पड़ी हुई है, वॉट इज इट, इनिशियली ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रही है, ऑक्सीजन इज टेकिंग इन एन इलेक्ट्रॉन, वो बन जा रहा है ओ नेगेटिव. तो वॉट इज हैपनिंग, ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन इज वॉट 2 and 6, तो इफ दिस ऑक्सीजन, इसको नोबल गैस कंफिगरेशन पाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. सो व्हेन आई गिव इट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन बिकम्स हैप्पी, इट विल रेडिली एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन एंड इन टर्न वो अपनी एनर्जी को लोअर कर देगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर फेंकेगा. तो यही जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दैट इट इज गिविंग आउट ऑफ इट्स सिस्टम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि एटम खुश क्यों हो जाएगा, वाई विल इट गिव आउट एनर्जी. तो यहाँ पर एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट बच्चे दिमाग में रखना है कि केमिस्ट्री में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, इट बेसिकली मींस लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. जब एक सिस्टम के पास एनर्जी कम होगी तो वो स्टेबल होगा, मतलब एक एटम की एनर्जी लो लेवल पे होगी, उसकी जो एनर्जी लेवल है इट कम्स टू अ वेरी बॉटम, देन व्हाट हैपेंस, उसके पास रिएक्ट करने के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी. एन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय एनी सिस्टम और उससे वो स्टेबल हो रहा है, मतलब वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन के पास पहुंच रहा है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की टेंडेंसी हो रही है, तो व्हाट हैपेंस, दैट ऑक्सीजन और दैट एटम इज नियरिंग इट्स स्टेबिलिटी, इट विल लोअर डाउन इट्स एनर्जी. लोअरिंग ऑफ एनर्जी मतलब अपने अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकाल देना, अपने अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकाल देना, तो दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि बाहर रिलीज होती है. ओके, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट जो दिमाग में आपको रखना है कि जब एक एटम स्टेबल हो रहा है मतलब उसके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो इस स्टेबिलिटी पाने की प्रोसेस में वॉट द हीट विच इज कमिंग आउट इज बेसिकली एन एफर्ट बाई द एटम टू लोअर इट्स एनर्जी. तो अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, मतलब सम एनर्जी इज बीइंग गिवन आउट, तो वो रिएक्शन इज एक्चुअली स्टेबलाइजिंग द प्रोडक्ट्स. ये बात बच्चों को समझ में आनी चाहिए. सो नाउ अगेन कम बैक टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो कि एटम बाहर फेंकता है, एटम अपने अंदर से बाहर फेंकता है इन व्हेन वो एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रिसीव कर, गॉट इट, व्हेन इट रिसीव्स एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड इट, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन अब देख लेते हैं. तो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जस्ट वेरी क्विकली विल लुक एट द डेफिनेशन. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, इसको नोट करेंगे बच्चों, डेफिनेशन आपको लिखने आएगा, एनर्जी रिलीज्ड. ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज होती है, जैसे आप जिप्स में भी देख रहे हो, जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ओ माइनस बन रहा है, तो इट इज गिविंग आउट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, 142 किलो जूल्स. तो ये जो 142 किलो जूल्स है, यही है वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज व्हेन अ न्यूट्रल गैसियस एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट्स इनटू एन आयन. आई होप द डेफिनेशन इज एब्सोल्युटली क्लियर नाउ. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए लव, ये वही एटम्स ज्यादा शो करेंगे, ज्यादा एनर्जी वही रिलीज करेंगे जो नेगेटिव बनना चाहते, जो एक्सेप्ट करने पे स्टेबल होने वाले हैं. ओके, सो इट्स मोस्टली द नॉन मेटल्स विच विल बी वेरी हैप्पी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स खुश नहीं होंगे, तो अगर मेटल में मुझे एक इलेक्ट्रॉन डालना है
तो इंस्टेड ऑफ एनर्जी बीइंग रिलीज्ड, मेटल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो मेटल और अनस्टेबल हो जाएगा बच्चों, मेटल में और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो मेटल और अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे अगेन आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम, सोडियम को देखो, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्विकली बच्चों लिखो, 2 8 1। सोडियम के लिए नोबल गैस कंफिगरेशन पाने के लिए द बेस्ट मेथड इज टू लूज इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या, हमें सोडियम एटम जो कि Na+ होके हैप्पी हो रहा था उसे हम बना दे रहे हैं Na-, उसको हम Na- बना दे रहे हैं। नाउ द इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन इज 2 8 2। अब इसे वापस से नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन पाने के लिए अब इस और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, नॉट 1 और 2 और 3 बट 6। तो इट इज एक्चुअली नॉट फेवरेबल फॉर द एटम। तो एटम, सोडियम एटम नहीं बनना चाहेगा Na-, समझ रहे हो बात। तो अगर तुम्हें सोडियम एटम को अनायन में कन्वर्ट करना ही करना, यू विल हैव टू गिव, इंस्टेड ऑफ एनर्जी कमिंग आउट तुम्हें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वहां पर बहुत 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 बहुत, बहुत ही लो हो जाएगी। लॉजिक समझ रहे हो बच्चों। तो नाउ यू मूव ऑन विथ द डेफिनेशन एंड द अंडरस्टैंडिंग विद दिस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो रिलीज होती है जब एक न्यूट्रल गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेता है और खुद को अनायन में कन्वर्ट कर लेता है। अगर वो एटम हैप्पी है, इट इज हैप्पी टू रिसीव दिस इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ नॉन मेटल मोस्टली, तो एनर्जी विल बी कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम। लेकिन अगर वो एटम मेटल है और उसमें तुम इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज नॉट अ फेवरेबल प्रोसेस फॉर द एटम। सो यू विल, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एनर्जी आउट ऑफ द सिस्टम, तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, यू हैव टू फोर्स दैट एटम टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अगर तुम्हें इक्वेशन फॉर्म में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को रिप्रेजेंट करना हुआ, तो लेट अस टेक अ हाइपोथेटिकल एटम एक्स। तो एक्स शुड बी गैसियस, इक्वेशन ध्यान से देखो बेटा, इट शुड बी गैसियस और उसमें आप डाल रहे हो एक इलेक्ट्रॉन। सो एक्स प्लस एन इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू X- गैसियस प्लस ई ए। व्हाट इज दिस ई ए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एनर्जी है जो निकल के बाहर आ रही है। तो एक्स इज व्हाट? एक्स इज एनी गैसियस एटम, बिकॉज द डेफिनेशन ऑल्सो सेज दैट द एनर्जी रिलीज व्हेन अ न्यूट्रल गैसियस एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू एन अनायन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, नेक्स्ट बात आएगी क्या? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैसियस एटम को जब एक इलेक्ट्रॉन आप देते हो, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, इट इज हैप्पी टू गेन दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इफ इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स गेट्स नियरर टू द नोबल गैस कंफिगरेशन। एक और इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाता तो ये और ज्यादा खुश हो जाता। तो ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव यू O- प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट इज कमिंग आउट, 142 किलो जूल्स पर मोल। तो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको बड़ा वेरी क्विकली विल डू इट। व्हाट विल बी द यूनिट किड्स? जो आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट थी वही यूनिट यहां पर भी होगी। द यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलो जूल्स पर मोल। ना यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नेगेटिव साइन से, क्योंकि केमिस्ट्री में एक चीज याद रखो कि जो भी जिस भी चीज पे हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं उसे भी कंसिडर इट एज अ सिस्टम। ओके, वी कंसिडर इट एज अ सिस्टम। तो अगर सिस्टम में से कुछ एनर्जी बाहर आती है तो हीट कन्वेंशंस के हिसाब से उसे हम मानते हैं कि वो बुरा है सिस्टम के लिए। सिस्टम अपने अपने अंदर से कुछ बाहर निकाल के दे रहा है तो ये बुरा है। जैसे आपको मैं बोलूं कि बेटा आप एग्जाम लिख दो, तो आप बोलोगे कि नहीं, ये आई एम नॉट हैप्पी विद इट। द सेम इज विद द सिस्टम। अगर सिस्टम अपने अंदर से हीट को निकाल रहा है तो इट इज नॉट हैप्पी। तो नॉट हैप्पी को किस तरह से आप डेजिग्नेट करोगे? नेगेटिव साइन से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज, इट इज कमिंग आउट ऑफ द एटम, इट इज कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन विल बी रिटन एज नॉट प्लस 142 किलो जूल्स पर मोल। अगर हीट निकल के बाहर आ रही है बेटा तो आप क्या लिखेंगे? आप -142 किलो जूल्स पर मोल। तो फिर आप बोलोगे मैम इक्वेशन में ये इस तरह से क्यों लिखा हुआ है? इक्वेशन, जब आपने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सीखा था बच्चों तो क्या सीखा था?
वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी के बेसिस पे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. द टोटल अमाउंट ऑफ मास प्लस एनर्जी ऑन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ टोटल मास एंड एनर्जी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो सिर्फ मास को कंसिडर नहीं करना है, एनर्जी को भी कंसिडर करना है. इसी वजह से ये इक्वेशन इज फॉर्म. आई होप यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव नोटेड डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. लिखने के लिए बस इतना ही है, समझने के लिए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या. ओके, नाउ व्हाट आर द टू फैक्टर्स, दो ही फैक्टर फिर आएंगे. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, तो इन अ पीरियोडिक टेबल व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू गाइड वेदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी या कम होगी. तो इसके लिए फर्स्ट वन फैक्टर एटमिक साइज. तो साइज ऑफ द एटम इज गोइंग टू डिसाइड कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा होगा कि कम होगा. समझ रहे हो बात? अच्छा, आप लॉजिकली सोचो, अगर एटम बहुत बड़ा है, एटम इज बिग, इफ द एटम इज वेरी बिग, पॉजिटिव सेंटर है बीच में और आउटर इलेक्ट्रॉन है यहाँ, एटम इज वेरी वेरी बिग. तो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और उसको अंदर आना है, एटम के अंदर आना है, उसे अंदर खींचने का पावर किसके पास है? उस न्यूक्लियस के पास. न्यूक्लियस इज सिटिंग वेरी डीप इन साइड द एटम, वेरी डीप इन साइड, बहुत दूरी है वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल से उस न्यूक्लियस पॉजिटिव सेंटर की. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल नॉट गेट एनी अट्रैक्शन, उसे कोई अट्रैक्शन ही नहीं मिलेगा कि वो अंदर आए. नेगेटिव विल बी नेगेटिव जब बाहर बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन जब बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगा तो जो पहला बैरियर उसे मिलेगा वो होगा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर तो रिपल्शन होगा. समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने के लिए विच इज द फोर्स एक्टिंग, इट इज द पॉजिटिव न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस अगर वैलेंस शेल से बहुत दूर है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कोई अंदर पुल करने के लिए नहीं होता, या बहुत कम एनर्जी होती है जो उसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है. इफ द साइज ऑफ द एटम इज बिग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी वेरी 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 लेस. मतलब इफ द इलेक्ट्रॉन गेट्स इन साइड द एटम देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज करेगा एटम टू बिकम स्टेबल वो बहुत ही कम होगी. इसका रीजन यही है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कोई अट्रैक्शन ही नहीं मिला न्यूक्लियस. ओके, सो इफ एटमिक साइज इज बिग व्हाट विल हैपन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विल नॉट फेस एनी अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो क्या होगा, डिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो हो जाएगी लो. ओके, वो हो जाएगी कम. तो क्विकली प्लीज नोट दैट डाउन. क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम, छोटा होगा साइज तो मोर विल बी द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो ये आप साइज से देख सकते हो. यहाँ पर आप देखो लिथियम बड़ा एटम है एंड फ्लोरीन छोटा एटम है. व्हाट विल हैपन, जो लिथियम एटम है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगा ही नहीं जल्दी. व्हाई, बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज वेरी वेरी फार ऑफ फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. जबकि फ्लोरीन एटम विल रेडिली अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन, उसको बहुत जोरों से अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उसकी साइज छोटी है. आपको पता है इन अ पीरियड व्हाट हैपेंस, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारी साइज रिड्यूस होती जाती है. तो दिस इज आवर सेकेंड पीरियड. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दीज आर मेंबर्स ऑफ द सेकेंड पीरियड. जैसे आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हो आपको इसी ऑर्डर में एटम्स मिलते जाते हैं. बीच में ऑब्वियसली फ्यू आर बीन मिसिंग. जैसे यहाँ पर आएगा कार्बन और फिर आएगा नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. बेसिकली क्या है, जैसे आप लेफ्ट टू राइट आते हो साइज आपकी बड़ी होती जाती, साइज आपकी रिड्यूस होती जाती है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी. मतलब एटम विल रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन. ओके, सिमिलरली द नेक्स्ट फैक्टर विल बी वॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज. ये सेम फैक्टर्स है जो आयनाइजेशन एनर्जी में थी, पर वहां एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है, यहाँ एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है. आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों वो एनर्जी है जो तुम्हें एटम को देनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो एटम अपने अंदर से बाहर फेंकता है. तो इस बात को दिमाग में एकदम क्लियर रखना है. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब कितने प्रोटॉन्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर है.
अगर बहुत ज्यादा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर बहुत हाई है, तो व्हाट विल हैपन, प्रोटॉन्स विल एग्जर्ट अ हायर पॉजिटिव चार्ज. जितने ज्यादा प्रोटॉन्स उतना एम्पलीफाइड होता जाएगा न्यूक्लियर चार्ज, मोर विल बी द अट्रैक्शन टूवर्ड्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. जितने ज्यादा न्यूक्लियस में पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचेंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस मोर अट्रैक्शन. नाउ द क्यूमुलेशन ऑफ बोथ दीज, इन दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज गोइंग टू डिसाइड द ट्रेंड अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एटमिक साइज छोटी है और न्यूक्लियर चार्ज कम है तो, न्यूक्लियर चार्ज कम है तो भी द ट्रेंड विल चेंज. तो व्हाट इज बेसिकली वी आर ट्राइंग टू डू, एटमिक साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट वुड बी योर ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू लुकिंग एट व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो यहां पर देखो, अगेन आई हैव टेकन पीरियड 1, 2, 3 का टेबल. द सेम टेबल इज देयर इन योर सेलिना टेक्स्ट. राइट, नाउ बच्चों यहाँ वैल्यू देखो आप. यू नीड नॉट रिमेम्बर द डेटा किड्स, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके, सो नेगेटिव साइन, अगेन फर्स्ट स्लाइड को याद करो, नेगेटिव साइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या बताती है, दैट एनर्जी इज गिवन आउट ऑफ द एटम. नेगेटिव साइन इज जस्ट टेलिंग दैट एनर्जी इज कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम. तो जैसे तुम लिथियम से फ्लोरीन पे जा रहे हो, वेरी क्विकली लुक एट द डेटा, लिथियम पे क्या वैल्यू है, -59.8. So much of heat is being given out when lithium gets converted to Li minus. लेकिन जब fluorine F minus बन रहा है, तो how much energy is being released? It is -327.9 kilojoules per mole. So a very large amount of energy is being released when you are moving from left to right across a period. और उसका basically reason क्या है? जैसे आप इधर लेफ्ट राइट आ रहे हो, जैसे आप ग्रुप 18 की तरफ बढ़ रहे हो, साइज हो रही है छोटी. द साइज इज रिड्यूसिंग, द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग. एटमिक नंबर तो बढ़ रही है बच्चों, है ना, एटमिक नंबर तो बढ़ रही है, बट व्हाट इज नॉट इंक्रीजिंग, साइज इज नॉट इंक्रीजिंग. तो फ्लोरिन एटमिक नंबर 9 एंड लिथियम एटमिक नंबर 2, बट शेल तो सॉरी एटमिक नंबर 3, शेल तो 2 ही है. सो न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, दैट इफेक्टिव इज इंक्रीजिंग एंड एटमिक साइज इज डिक्रीजिंग, दोनों फैक्टर्स फेवरेबल है. तो जैसे तुम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाओगे, क्या होना है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, अ लॉट ऑफ एनर्जी इज बीइंग गोइंग टू बी गिवन आउट ऑफ द एटम एज यू मूव टूवर्ड्स द ग्रुप 15, 16 एंड 17. ठीक है, वही ट्रेंड आप नीचे के ग्रुप ग्रुप थर्ड में भी आप देख सकते हो बेटा. सोडियम -53.1. What about chlorine? -349.349. Okay? कुछ anomalies हैं इस टेबल में, तो उन्हें हम exceptions point of view से पढ़ें. Okay? In 10th grade आपको वो बहुत डिटेल में नहीं जानना है, but yes, 11th में ये exceptions ही हैं जो आपसे questions बन के आने वाले हैं. Okay? So chemistry is a science of exceptions. So जहां जहां भी आपको star लगा हुआ दिख रहा है बच्चों, those are what those, वहां पर कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है. जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ नोट करोगे, लुक एट द फॉस्फोरस एटम, लुक एट द फॉस्फोरस एटम. फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -74 दी हुई है, और उसी के पहले सिलिकन है, सिलिकन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -119 है, विच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फॉस्फोरस. ट्रेंड के हिसाब से फॉस्फोरस का रिड्यूस होना चाहिए था, ग्रेटर होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन मोर, पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है. तो ये गड़बड़ को ही हम एक्सेप्शन पॉइंट से पढ़ाते हैं, और ये 11th 12th में बहुत अच्छे से क्वेश्चन फॉर्म में यही आपको डील करना है. ओके, सो प्रेजेंटली 10th के लिए आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना है, बट इफ यू आर सीइंग दैट ओके देयर आर सर्टेन इररेगुलरिटीज, नोटिस करना जरूरी है ताकि आगे आप उस पर बिल्डअप कर सकते. ओके, नाउ लेट अस क्विकली राइट डाउन द ट्रेंड. क्या होगा पीरियड में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज गोइंग टू इंक्रीज अलोंग अ पीरियड. क्यों भाई, साइज डिक्रीज हो रही है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. ओके, साइज डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, प्लीज एट दैट पॉइंट एज वेल, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. नोट करो बच्चों,
व्हाट हैपेंस डाउन द ग्रुप के, ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बड़ी होती है, जैसे साइज बड़ी होगी एटमिक साइज इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, तो यू आर सीइंग ओवर हियर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, तो यू आर गोइंग टू नोट डाउन दिस पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज गोइंग टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप, कैन वी प्रूव इट विद एक्सपेरिमेंटल डेटा, यस वी कैन। देखो यहाँ हैलोजन ग्रुप 17 का डेटा मैं लेके आई हूँ, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटीन, दिस इज ग्रुप 17, सो यू एज यू गो डाउन द पीरियोडिक टेबल व्हाट इज हैपनिंग, आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज -322, ऑफ क्लोरीन इज -349, और जैसे ही जैसे आप नीचे आयोडीन के पास आ रहे हो -250 295, दिस इज व्हाट इज योर डेटा। तो इस डेटा के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज गोइंग टू इन इज गोइंग टू डिक्रीज, कम एनर्जी निकलेगी, कम एनर्जी रिलीज होगी। अगेन यहाँ एक एक्सेप्शनल पॉइंट देखा होगा आप लोगों ने, नोटिस किया बच्चों, व्हाट इज दैट, यस ये देखो क्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -439 और फ्लोरीन की है -322, फिर कुछ गड़बड़ है मैम, आप बोल रहे हो कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज हो जाती है बड़ी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी कम, कम एनर्जी रिलीज होगी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लोरीन जिसकी साइज बड़ी है फ्लोरीन से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू उसकी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आप 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल यू ओनली हैव टू रिमेम्बर दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर क्लोरीन इज हायर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, ऑल्दो क्लोरीन की बड़ी होनी चाहिए थी, बहुत सारे रीजंस हैं। सिंपलेस्ट रीजन क्या है बेटा, सिंपलेस्ट रीजन ये है कि देखो फ्लोरीन एक बहुत ही छोटा एटम है, बहुत छोटा एटम है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घुसे पड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन है वो भी बहुत ज्यादा है फ्लोरीन में, जबकि क्लोरीन क्लोरीन से थोड़ा सा बड़ा है, तो इस रिपल्शन को वो काउंटरैक्ट कर पाता है, एंड देयरफॉर वी आर फाइंडिंग दैट यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस अराइज हो जाता है जब क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू दे जाता है। ओके सो फ्लोरीन ऑल्दो अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन वेरी मच, बट वो उसको अंदर रखने में उसे बहुत दिक्कत हो जाती है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन, तो क्लोरीन के बाद की ट्रेंड इज नॉर्मल, बट फ्लोरीन और क्लोरीन में ये प्रॉब्लम है। ओके सो नाउ वेरी क्विकली लेट अस लुक एट द ट्रेंड, द ट्रेंड इज व्हाट, एज यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल बच्चों, यू आर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड एज यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप यू आर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद रहेगा ये। ओके ऑल द एक्सप्लेनेशन इज देयर, हमने डेफिनेशन देखा, हमने समझा क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए लव, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन को लव करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो कौन करेंगे, नॉन मेटल्स करेंगे, कौन नहीं करेंगे, मेटल्स नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर मैं बोलूं मेटल्स की काफी लो है तो आप बोलोगे यस मैम, और जब हम बोलूंगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल्स की बहुत हाई है तो आप बोलोगे यस मैम, फिर मैं पूछूंगी अच्छा बेटा व्हाट अबाउट नोबल गैसेस, व्हाट अबाउट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस तो दे आर लाइक द सेम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उनको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए ना वो इलेक्ट्रॉन देंगे, उन्होंने अपने पूरी शेल को आउटर शेल को स्टेबल कर लिया है, तो व्हाट अबाउट योर नोबल गैसेस, सोचो सोच के बताओ। ओके तब तक मैं कुछ समअप करती हूँ, ऑल्दो मैं सारे आंसर्स आपको दे दूंगी इसी क्लास के इसी वीडियो के एंड में, फिर भी कुछ तो सोचो बच्चों, तो वट एवर सम टिपिकल ट्रेंड्स देख ले हम लोग वेरी क्विकली, इसको एक रीडिंग मारो, कुछ बच्चे इसको पॉज करके नोट भी करें, बिकॉज दीज आर व्हाट, देखो मैं बिल्कुल सिलेक्टेड पॉइंट्स ही दे रही हूँ, वही पॉइंट्स जो आपको दिमाग में अच्छे से रखने हैं, तो लेट अस रीड दिस आउट। मेटल्स, मेटल्स लाइक टू लूज वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म व्हाट कैटायंस एंड हैव फुली स्टेबल ऑक्टेट, लेकिन जब आपको उन्हें एन ए माइनस बनाना है तो क्या करना होगा, उन्हें आप इलेक्ट्रॉन फोर्सिबली दे रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो उनके साथ, तो दे विल नॉट बी हैप्पी, तो दे विल नॉट गिव आउट एनर्जी, हैप्पीनेस फॉर एटम्स इज व्हाट, गिविंग आउट एनर्जी, जब कोई एटम बहुत खुश होगा तो क्या होगा, वो एनर्जी बाहर देगा। ओके सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ मेटल्स इज लोअर देन दैट ऑफ नॉन मेटल, याद रहेगी बात।
इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन क्या एनर्जी होगी? आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है नॉन मेटल्स की, क्यों? थोड़ी सी एनर्जी दे दो तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो एटम अपने अंदर से खुशी होकर बाहर देता है। जितनी ज्यादा देता है उतना ज्यादा वो नेगेटिव बनना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी मेटल्स की लो ही है। तो बोथ आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ट्रेंड सेम है, मतलब अलग है। ट्रेंड सेम है बच्चा, मतलब योर मीनिंग इज एंटायरली डिफरेंट एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। सिमिलरली नॉन मेटल्स लाइक टू गेन इलेक्ट्रॉन। सो डेफिनेटली जब आप इनको इलेक्ट्रॉन गेन करवाओगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही हाई होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। तो देयर एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी देयर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वाइल जब आप मेटल को इलेक्ट्रॉन गेन कराना चाहोगे वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ना होके एंडोथर्मिक हो जाता है, मतलब तुम्हें उल्टा एनर्जी देनी पड़ जाएगी उस मेटल को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने के लिए। वर द पॉइंट, आई होप यू हैव नोटेड ऑल दैट डाउन। सो टुवर्ड्स द एंड और लास्ट स्लाइड पे मैं आ गई हूँ, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताएंगे, जैसे कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव मतलब पहले एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, वो एक यूनि नेगेटिव अनायन बना। ये यूनि नेगेटिव अनायन मे बी इट इज नॉट अचीव्ड इट्स ऑक्टेट, तो वो एक और गेन करना चाहेगा। लेकिन वो जो सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एक अनायन में, तो हम देखते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो लो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लो है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? इलेक्ट्रॉन, लेट आई हैव गिवन यू अ सिंपल एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड इट बिकम्स ओ नेगेटिव, तो वो रिलीज करता है 141 किलो जूल्स पर मोल, और इसीलिए साइन क्या है? नेगेटिव। लेकिन जब तुम एक अनायन को एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के सामने एक और इलेक्ट्रॉन रख दो, गेटिंग द पॉइंट, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है उसके सामने एक इलेक्ट्रॉन लाके रख दोगे और बोलोगे कि तुम अपने अंदर लो इसे, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिपल्शन अराइजिंग। ऑल्दो उस एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, लेकिन आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने की वजह से इट इज गोइंग टू दैट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ रिपल्शन। और इस रिपल्शन के कारण हम देखते हैं कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को घुसाने में जो एनर्जी निकल रही है वो एक्चुअली निकलती नहीं है, हमें देनी पड़ जाती है। एटम उतनी आसानी से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बहुत सारे रिपल्सिव इंटरेक्शन होने लगते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। तो सेकेंड इक्वेशन ध्यान से देखो, जब ओ नेगेटिव इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन इन कमिंग ओ टू माइनस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 780 किलो जूल्स, 780 किलो जूल्स पर मोल। सो व्हेन इट इज 780 किलो जूल्स पर मोल, और ये प्लस साइन है, मतलब द सिस्टम इज गेनिंग एनर्जी, प्लस साइन मतलब सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है। ओके, सो दिस बिकम्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड फर्स्ट वन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो व्हाट इज इट? द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। सक्सेसिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो पहला प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक हो जाता है, बट उसके बाद जो सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस हैं वो एंडोथर्मिक हो जाते हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन द अनायन एंड द इनकमिंग नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके नीचे देखो एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। When gaseous atom gains an electron, the anion has a negative charge. When anion is to gain an electron, the energy is required to overcome the repulsion between anion and incoming electron. And that is why the successive electron gain enthalpies have very low values, low negative values. In fact, they have a positive value. That is, tumhe energy system ko supply karni padti hai. ओके, फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एट द एंड, मैंने पहले ही इनको लिस्ट करके दिया है। एक्सेप्शंस की बात जब हम कर रहे थे कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू किसकी होनी है, दैट इज फॉर क्लोरीन। ओके, क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, नॉट क्लोरीन। ओके, क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक छोटा एटम है, उसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से इंस्टेड ऑफ क्लोरीन हम देखते हैं कि क्लोरीन ग्रुप पीरियड थर्ड का इट इज गोइंग टू हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। What about the group 0, 18th group, noble gases?
the saints of the periodic table, unki electron affinity is zero. They don't want to accept electrons. It's either zero, and as you go down, xenon ke paas jab tak aate ho, it is mostly very, very positive. आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फोर्स करनी पड़ेगी उस एटम को टू बिकम नेगेटिव. ओके, देन व्हेन यू गो टू ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15, ये अगेन दे विल गिव यू अनयूजुअल ट्रेंड. जब मैंने फास्फोरस का डिस्कस किया था बेटा, ओके, सो यहाँ पर भी आपको इरेगुलर ट्रेंड्स आएंगे, उसको देख के घबराना नहीं है. दे हैव एन एक्सप्लेनेशन, यू विल स्टडी दैट लेटर, बट फिलहाल ओनली जस्ट कीप दैट इन माइंड दैट ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15 डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड्स इन the electron affinity values. Okay, so with that we have summed up the entire electron affinity ka topic periodic table mein. Aap isko dhyan se padhenge aur jo bhi important terms maine note karne ke liye hai, likhne mein utna hi aapko yaad rakhna. Got it? So have a nice day, meet you again in the next video on electron negativity. Till then, bye students.